अभी विद्यापति धाम पर हैं और विद्यापति धाम की महिमा के विषय में और यहाँ क्यों प्रसिद्ध है ये मंदिर, इसके विषय में पंडित जी थोड़ा बताएंगे। कि सबसे पहले कवि कोकिल विद्यापति जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। और यहाँ पौराणिक कथाएं हैं, बहुत सारी आलेख हमारे जीवन में पढ़ने को मिला है। सर्वप्रथम यहाँ विद्यापति भक्त और भगवान का संगम ऐसा यह स्थल है जहाँ भक्त और भगवान दोनों की पूजाएं की जाती हैं एक साथ। ऐसा कोई भारतवर्ष में कोई स्थल नहीं है जहाँ पर भक्त और भगवान दोनों की पूजा होती हो। बगल में हमारी मोक्षदायिनी गंगा माँ है और विद्यापति का समाधि स्थल भी है इस जगह पर और उनका स्मारक भी लगा हुआ है जगह जगह पर। साक्षात मैया गंगा विद्यापति को लेने के लिए आई थी, यह एक पुरानी कथा है। एक और भी कथा है जो ये मंदिर बनी है, ये मंदिर का जो लाइन है रेलवे लाइन, इस मंदिर के समीप से जाना था लेकिन एक पीपल का पेड़ था, जिस पीपल के पेड़ से हमारे बाबा प्रकट हुए हैं विद्यापति महादेव, उगना महादेव के नाम से ये प्रसिद्ध है। और इसी जगह पर उगना महादेव विद्यापति जी के यहाँ भोला बाबा नौकर बन के भी रहे हैं, उगना बन के भी रहे हैं, यही कहानी प्रसिद्ध है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंडित अमित मिश्रा, कल्याणपुर बस्ती मेरा मकान है, समस्तीपुर जिला से बिलोंग करते हैं। ये समस्तीपुर जिला में है विद्यापति धाम? बिल्कुल समस्तीपुर जिला में। ये थे अमित कुमार मिश्रा जी, विद्यापति धाम की महिमा के विषय में, उगना महादेव के विषय में और प्रकट कैसे यहाँ भोला बाबा हो इस विषय में, भक्त और भगवान के विषय में बताए हैं। गंगापुत्र न्यूज़ से भाई रंग।